हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो हिस्ट्री मॉडल पेपर के हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना। और अगर आप लोग जानते हैं सवाल का जवाब तो आप जवाब भी दे सकते हैं और कमेंट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन सा विषय का अगला दिन जो है वीडियो बनाकर लेकर आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1922 ईस्वी। इसका राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पाएंगे आप लोग क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी रावी नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी चार नंबर का सी नंबर, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरह से देख पा रहे हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर का बी नंबर, यानी मोहनजोदड़ो। अगर दोस्तों वीडियो अगर आप बार बार जो है इस क्वेश्चन को शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बार बार रिविजन हो जाएगा ताकि आप एग्जाम में ना भूलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं देख पा रहे होंगे आप लोग, किस अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या पाँच नंबर का बी नंबर, यानी मौर्य वंश का शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है देख पा रहे आप लोग क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी छठा नंबर का डी नंबर, यानी राष्ट्रकूट ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, सात नंबर क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग क्या है, लोथल स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सात नंबर का ए नंबर, यानी गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का सी नंबर, यानी हरिसेन ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे, नौ नंबर क्वेश्चन है क्या है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर का ए नंबर, यानी मौर्य वंश का जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दस नंबर का बी नंबर, यानी मैग अस्तनीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, ग्यारह नंबर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, ग्यारह नंबर का, यानी 18 दिनों तक चला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े हैं तो ये इंपॉर्टेंट है फिर भी, तो क्या है, बारह नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बारह नंबर का ए नंबर, यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, तेरह नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेरह नंबर का बी नंबर, यानी 18 है। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चौदह नंबर का डी नंबर, यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है क्या है, त्रिपाठिक साहित्य है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पंद्रह नंबर का बी नंबर, यानी बौद्ध धर्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, सोलह नंबर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलह नंबर का डी नंबर, यानी गुरु नानक का जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आ चुकी है तो क्या है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सत्रह नंबर का ए नंबर, यानी फारसी भाषा में लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, अलबैरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अठारह नंबर का बी नंबर, यानी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उन्नीस नंबर का सी नंबर, यानी मोरक्को का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, बीस नंबर क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी बीस नंबर का डी नंबर, यानी अजमेर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्कीस नंबर का सी नंबर, यानी रामानंद ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं क्या है, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाईस नंबर का बी नंबर, यानी अबुल फजल ने लिखा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बनेंगे तो आ चुके पूरी तरह से देख पा रहे आप लोग क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 23 नंबर का ए नंबर यानी हरिहर एवं बुक्का ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरह से देख पा रहे आप लोग, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 24 नंबर का बी नंबर यानी 1510 ईस्वी में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन पे, क्या है गोपुरम का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 25 नंबर का डी नंबर यानी मंदिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है 26 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का बी नंबर यानी 3 भागों में विभक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 27 नंबर का डी नंबर यानी अबुल फजल ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 28 नंबर का ए नंबर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, 29 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया था, तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी दक्षिण भारत में बिताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी सी नंबर यानी औरंगजेब ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 31 नंबर का यानी राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर यानी 1526 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुकी है 32 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, तो क्या है दमन ई कोह क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का ए नंबर यानी एक भूभाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, तो क्या है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर का ए नंबर यानी बिरसा मुंडा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 34 नंबर क्या है देख पा रहे क्या है कि कॉर्न वालिस कोड बना, तो कब बना था, इसका राइट आंसर की बात करेंगे 34 नंबर का डी नंबर यानी 1793 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन है देख पा रहे आप लोग, क्या है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर का यानी ए नंबर 10 मई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, 36 नंबर क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी सी नंबर यानी 1911 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या बात करेंगे 37 नंबर का ए नंबर यानी 1600 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का ए नंबर यानी 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है दांडी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 39 नंबर का सी नंबर यानी गुजरात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 नंबर का ए नंबर यानी 1920 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का बी नंबर यानी 1917 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का ए नंबर यानी 1932 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या है 43 नंबर का डी नंबर यानी भीमराव अंबेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या 44 नंबर का डी नंबर यानी संविधान में संप्रभुता निहित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे तो क्या है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ए नंबर सी गोपालाचारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से 46 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का डी नंबर यानी 1942 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 47 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह
कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर का, ए नंबर यानी 1955 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है क्या है 48 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का, बी नंबर यानी 1917 ईस्वी में हुआ था। अब अंतिम क्वेश्चन, हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आज का वीडियो इतना ही तक, अगर वीडियो अगला वीडियो किस विषय में चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।